देश भर में आज धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। हर छोटे बड़े हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ देर शाम तक उमड़ी रही। महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए खास तैयारी की गई थी। बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम आ गए। बीजेपी ने गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी। जेडीयू ने कोसी शिक्षक और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीता है, तो वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज समर्थ निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन में जीत दर्ज की। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का गुरुवार सुबह चेन्नई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। 14 मार्च को बजट सत्र के दौरान जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई थी। आनंद फानन उनको एयरलिफ्ट कर चेन्नई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए भी कॉलेज से वेतन का लाभ ले रहे हैं। औरंगाबाद शहर के रामलखन सिंह यादव कॉलेज में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पिछले 15 सालों से कोई क्लास नहीं ली। इसके बाद वह वेतन के रूप में भारी भरकम राशि हर महीने ले रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर रामलखन सिंह यादव कॉलेज में प्राणी विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। वह इस कॉलेज 1985 से जुड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समर्थकों के साथ नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने उन्हें धारा 144 का हवाला देकर सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिए। आपको बता दें, बिहार शरीफ में हिंसा के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्मश्री सम्मान 2023 में बिहार के 3 लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, कला के क्षेत्र सुभद्रा देवी और कपड़ा कला में नालंदा के कपिल देव प्रसाद पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान दिए। मनीष पर अब तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की। इसके साथ ही फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में उन्हें तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर महागठबंधन की सरकार पर भोला हमला। सुशील मोदी ने कहा, सासाराम और नालंदा में जो हुआ वो राज्य सरकार की नाकामी। विपक्ष ऐसा लोकतंत्र चाहता है कि लूट की छूट मिल जाए। डिप्टी CM सही कह रहे हैं कि प्री प्लांट साजिश करने वालों को आप आश्रय दे रहे थे। के बिहार के अंदर सासाराम में जो कुछ हुआ, नालंदा में जो भी कुछ हुआ, ये राज्य सरकार की विफलता थी। हर साल सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उन जगहों पर बनती है, तो जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था राज्य सरकार ने प्रिकॉशन नहीं लिया। यदि पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर नियुक्त किया गया होता, फ्लैग मार्च किया गया होता, तो ये स्थिति नहीं बनती। इसलिए अच्छा है कि MHA ने इस प्रकार की एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इस बार देखा गया कि बंगाल में, बिहार में, कई अन्य राज्यों में और छिटपुट इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं घटी, और राज्य सरकारें भी निश्चिंत थी, ये मानकर चली थी कुछ होगा नहीं, लेकिन समाज में तरह तरह के तत्व हैं। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को आग लगने की भीषण घटना हुई। यहाँ LNJP हॉस्पिटल के बगल में अचानक से आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से भर गया। आसमान काले घने धुएं से भर गए, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी भरा माहौल देखा गया। जानकारी के अनुसार आग लगने की यह घटना सिलेंडर ब्लास्ट की। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। इस आग में कई घर जलकर खाक हो गए।